सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है ज्योति के नोटे, मेरे ब्लॉग का नाम है ज्योति के नोटे ब्लॉग। अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। स्वागत करती हूँ आप लोगों का ब्रह्मपुरी गांव से, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। मौसम की बात करें तो आज ने बहुत सुहानी धूप आ रखी है। दोस्तों मेरी तैयारी हो गई है ससुराल जाने के लिए, और मेरे साथ मेरी बहन भी जा रही है धोत्री तक। ये मेरी बहन ना बुआ लोगों के घर पर जा रही है, और मैंने भी ना आज बुआ जी से मिलने जाने हैं। और अगर मैं जाऊंगी नहीं तो बुआ जी ने मेरे से नाराज हो जाएगी, तो जल्दी से चलते हैं। पहले हमने कमर जाने मम्मी जी से मिलने, और वहीं से ना गाड़ी जाती है, तो हम दोनों तैयार हो गए है। दोस्तों यहाँ पर अभी दादी जी खाना बना रही है, और ये हमने अभी ना तैयार हो गई है। हमने हो गई तो तैयार, दोस्तों यहाँ पर ना अभी दादी जी मेरे को और यमुना को ना खाना दे रही है। दादी जी कह रही है खाना खा लो, उसके बाद चलिए जाना। दोस्तों मैंने खाना भी खा दिया है, और मेरी ना यहाँ से जाने की तैयारी हो गई है। दोस्तों ये पल ना बहुत इमोशनल वाला होता है, जब ना कोई लड़की अपने मायके से ससुराल जाती है तो क्या करना है। भगवान ने जब इस रीत बना रखी है तो हर लड़की को ना जाना ही पड़ता है अपने ससुराल। और दादाजी की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है धीरे धीरे। मेरा मन तो ऐसा करता है कि दादाजी के साथ हर टाइम बैठे रहूँ, पर क्या करना, जन्म तो पड़ेगा मेरे को। और मेरे साथ मेरी बहन भी जा रही है, और दादा दादी की याद बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि बचपन में ना हम दादा दादी जी के साथ बहुत ज़्यादा रहे हैं। और अभी मैंने मम्मी जी से मिलने भी जाना है कमंद में। मम्मी जी ना नए वाले घर पर रहती है, और वहीं से ना गाड़ी जाएगी धोत्री तक, तो पहले तो बुआ जी से मिलने जाऊँगी। और ये हमने ना बुआ लोगों के घर पर जा रही है, और वहाँ से ना मैं ससुराल जाऊंगी। और दोस्तों मेरे को ना अभी ऐसा लग रहा है जैसे ना मैं कहीं सपने में जा रही हूँ किसी के घर में, क्या ही बोलें मैं। वो तो हर किसी लड़की को पता ही होगा कि कैसा लगता है उस टाइम पे जब ना अपने घर छोड़ के दूसरे घर जाना पड़ता है। चलिए दोस्तों मैं अपने नए वाले मकान पर भी पहुंच गई हूं, और मम्मी जी से भी ना थोड़ी बहुत बात कर ली है, और अब यहां से मैं चलती हूं जल्दी, नहीं तो मेरे लिए ना देर हो जाएगी। दोस्तों अभी ना यहां पर मम्मी जी हमारे लिए चाय बना रही है। चलिए दोस्तों मेरे यहां से जाने की तैयारी हो गई है। दोस्तों अभी ना मैं गाड़ी पर बैठ गई हूँ, और इस गाड़ी में ना अभी एक भी सवारी नहीं हुई है, तो देखती हूँ कितनी देर में इस गाड़ी में सवारी होती है। पता नहीं कितनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पे, और ऊपर से ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। Thank you।
दोस्तों अभी हम धोत्री में आ गए हैं और यहाँ से मैं बुआ जी के घर पर जा रही हूँ। तो देखती हूँ कि आज ससुराल भी जा पाती हूँ कि नहीं भी जा पाती हूँ, तो देखती हूँ बाद में क्या प्लान बनता है। भैया तो उत्तरकाशी और बुआ बांध के लिए जंगल में। तो क्या कर रही? उसने बर्तन धो रही थी, खाली खाना। दोस्तों मैं बुआ जी के घर पर पहुंच गई हूँ और बुआ जी के घर पर ना अभी अनीता और बुद्धि जी है और बुआ जी ने बांझ के लिए जा रखी है जंगल में और भाई जी ने उत्तरकाशी जा रखी है अपने ताऊ के घर पे और भाई जी ने शाम को आएंगे। तो देखती हूँ कि बुआ जी ने कितने देर में आती है जंगल से। अगर बुआ जी ने देर में आएगी तो मैं यहीं रह सकती हूँ और अगर बुआ जी ने जल्दी आ जाएगी जंगल से तो मैं आज अपने ससुर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अनीता ने अभी सभी लोगों के लिए चाय ला दी बना के, तो थैंक यू। दोस्तों हम सभी लोगों ने चाय भी पी ली और बुढ़ी जी ना बाहर पे धूप सेक रही है और बुआ जी ना अभी तक भी जंगल से नहीं आए है बांझ लेके और अभी ना भाई जी का फोन भी आया है तो भाई जी बल आ भी सकते हैं आज, नहीं भी आ सकते हैं, तो देखते हैं शाम को कौन कौन आते हैं। और अभी ना हम चारों घर पे है, बुढ़ी जी और यमुना और अनिता में, और थोड़ी देर में ना यमुना बड़ी वाली बहन के घर पे जाने वाली है। दोस्तों अभी शाम की 3 बज गई है और बुआ जी तो अभी तक भी नहीं आए हैं, शायद हम बुआ जी को लेने जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कपड़ों को चेंज कर देती हूँ और आज ना मैं ये रुक रही हूँ क्योंकि बुआ जी ने मेरे से नाराज हो जाएगी अगर मैं ससुराल चली जाऊँगी बुआ जी को बिना बताए, तो बुआ जी ने मेरे से नाराज हो जाएगी, तो मैं कल ही जाऊँगी बुआ जी से मिल के। क्यों आनी था? दोस्तों मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए हैं और अब ना मैं बुआ जी के गौशाला में जाती हूँ और मधुली और बिंदु को भी दिखाती हूँ आप लोगों को कि मधुली और बिंदु ना कैसे हो रखे हैं आजकल। दोस्तों तो ये रही मधुली और बिंदु, और मधुली और बिंदु ना अभी यहाँ पे आराम कर रहे हैं। बिंदु तो खड़ा हो रखा है पर लेकिन मधुली ना सो रखी है और यहाँ पर ना बुआ जी ने गोबर निकाल रखा है। यहाँ पर तो पीरल वाला गोबर है, वहाँ पर ना पत्तों वाला गोबर है और यहाँ पर अभी अनीता बुड्ढी जी को ना दवाई दे रही है, दोपहर की दवाई। दोस्तों अभी ना बुआ जी के किचन में आ रखी हूँ, यहाँ पर ना मैं दूध गर्म कर रही हूँ और ये दूध ना मम्मी जी ने दे रखा था मेरे ससुराल वालों के लिए, तो कल तक ना ये फट जाएगा तो इसलिए ना मैं इसको गर्म कर रही हूँ। दोस्तों यहाँ पर ना अनीता मेरे को कुछ चीज बता रही है क्योंकि अनीता के जो सब्सक्राइबर है उन्होंने अनीता के लिए गिफ्ट भेज रखे हैं, तो हम उनके ना अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं कि गिफ्ट में क्या क्या दे रखा है अनीता के लिए। अनीता बहुत ज्यादा खुश हो रही है। और ये देखो और दिखाते हैं आपको, ये देखो चॉकलेट, ये भी है चॉकलेट, और इसमें है बिस्कुट, ये देखो गाइस, ये देखो ये भी है चॉकलेट, इतनी सारी चॉकलेट। तो दोस्तों इतने सारे गिफ्ट आ रखे हैं अनीता के लिए और पूरी खाने वाली चीज है, तो अनीता बहुत ज्यादा खुश है। हाँ। तो अनीता कैसा लग रहा है तेरे को? बहुत अच्छा है जिन्होंने मेरे लिए ये भेजा, उनके लिए थैंक यू। ये ले चॉकलेट। दोस्तों यहाँ पर अनीता भी मेरे को भी अपनी चीज खाने के लिए दे रही है, ये क्या है? चॉकलेट है। थैंक यू। और इतना बड़ा चिप्स, थैंक यू। और यहाँ पर अनीता ने यमुना को भी दे दिया दो दो चॉकलेट है। दोस्तों यहाँ पर जो अनीता ने मेरे को चॉकलेट दे रखी है तो मैं इसको खोलती हूँ और इतनी बड़ी चॉकलेट मैं पहली बार देख रही हूँ, देखती हूँ कि अंदर से कैसी है, बाहर से ऐसी दिख रही है, ये देखो दोस्तों बाहर से तो ऐसी दिख रही है तो अंदर से
तो अंदर से बताते हो आप लोगों को, पहले एक कागज फिर दूसरा कागज लगा रखा इस पे ब्लैक वाला। बाप रे इतनी बड़ी चॉकलेट, यहाँ देखो ऐसा लग रहा टाइल हो जैसा। फोन है वो आईफोन। हेलो अंदर तेरे लिए गिफ्ट बना रखा फोन है, इसने वीडियो बना रहा आपसे। अब मैं इसे बनाऊंगी ब्लॉग। दोस्तों यहाँ पर अभी अनीता और यमुना की तैयारी हो गई है। यमुना तो दीदी जी के घर पर जा रही है, बड़ी बहन के घर पर, और अनीता ना अभी बुआ को लेने जा रही है। तो ठीक है अनीता जल्दी आना है। और यमुना तो कब आएगी? कल। तो ठीक है फिर आराम से जाना, ठीक है। दोस्त यहाँ पर बुआ जी भी आ गई है जंगल से। दोस्तों बुआ जी और अनीता ना जंगल से भी आ गई है, और अभी ना अनीता बुआ जी के लिए चाय बना रही है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने परिवार के साथ व्यस्त रहे। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।